अस्सलाम वालेकुम। www.itvideotutorials.com की तरफ से मैं एक मरतबा फिर आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ मोहम्मद शफीक और हम सीखने जा रहे हैं PHP। तो जैसा कि पहले वीडियो में ही मैंने बताया था कि PHP एक लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम डायनामिक वेब पेजेस बनाते हैं। तो डायनामिक वेब पेजेस बनाने के लिए हमें किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? PHP की, एक तो PHP की, दूसरी जो है वेब सर्वर की, और तीसरी जो है किस चीज़ की होती है? डेटाबेस की। तो इन इन तीन तीन पैकेजेस को हम क्या कर सकते हैं, एक ही पैकेज में डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह ज़ैम्प को डाउनलोड करेंगे और फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसका तरीका ये है कि आप की इधर लिख दें ज़ैम्प, लिख दें और फिर क्या लिख दें जी जना, डाउनलोड लिख दें। तो डाउनलोड इस को लिखने के बाद आपको क्या करना होगा जी जनाब, मेरे ख्याल में मेरा करेक्शन आज बहुत स्लो है। हाँ बिल्कुल जी जनाब, तो आपको क्या करना होगा जी, इस पर क्लिक करना होगी apachefriends.org। ओके जनाब, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। फिर आपको जी क्या करना होगा, आपको इस डाउनलोड 32 बेट पर क्लिक करना होगा जी जनाब। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जी जनाब एक और पेज खुल जाएगा। इस पर अगर यू आर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली एप डज नॉट, ओके तो अगर डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं होती, ओके तो आप क्या करें, इधर क्लिक कर दी। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ जी, क्लिक हियर। इधर पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस डाउनलोड पर क्लिक कर दी। ओके जनाब, तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी जी जनाब। डाउनलोड जब स्टार्ट हो जाएगी तो उसको जो है ना डाउनलोड कीजिए। ये तकरीबन 140 MB की होगी ये फाइल्स तकरीबन। ओके जनाब, तो मैंने पहले ही से डाउनलोड किया हुआ है। तो जब आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं तो आप इस तरह कीजिए कि फिर उसको ओपन कीजिए। जब ओपन करेंगे तो आपको जो है ना ये सेटअप नज़र आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर नेक्स्ट कर देता हूँ जी जनाब। नेक्स्ट करने के बाद मैं फिर नेक्स्ट कर देता हूँ जी जनाब। ये कहता है कि सेलेक्ट अ फोल्डर, आपको किधर जो है ये सेव करना है। जो मैं कहता हूँ कि यार ये मेरे पास जो है ना सी ड्राइव में सेव हो जाए। अगर आप इसको जो है ना दूसरी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं ताकि जब आप विंडो करें तो ये पैल जो है ना डिलीट ना हो जाए और परमिट ना हो जाए, तो आप इसको दूसरे ड्राइव में भी कर सकते हैं। तो मैं नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि यार सी मेरे लिए अच्छी है। ठीक है जनाब, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट करने के बाद मैं से फिर जी कहते हैं कि रिमोट इंस्टॉलर दैट कैन इंस्टॉल ड्रॉपल, ये सब वर्डप्रेस और ड्रॉपल वगैरह में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ, तो मैं इस तरह करते हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद सेटअप जो है ना ये आपको इस पर ले जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार नेक्स्ट। ओके जनाब, तो जी जनाब ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल करने में। ये पहले जो होता था आपको सिर्फ जो है ना एक्सजी फाइल जो वो डाउनलोड करना पड़ता, लेकिन अब चूंकि ये चेंज की हुई, इन्होंने परमिट चेंज की हुई है, तो ये जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा जी जनाब, ये ज़ैम्प जो है डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होता। आपको पहले जो है ना एक इमेज जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद जो है ना आप जब ये करेंगे तो निकनेस करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम जो है फिर लेता है। ओके जी जनाब, थोड़ा सा वेट करना होगा। हो रहा है जी जनाब, जब आप ये इंस्टॉल कर ली तो आप ये जो है ना आपने जो ड्राइव सेलेक्ट की होगी वो उधर जाएगा जी जनाब। फिर इसको इसके बाद जो है ना आपको सिर्फ जो है नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, फिर जो है फिनिश करनी होगी और इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी जी जनाब। फिर आपको जो है ना ये तो ज़ैम्प था इंस्टॉलेशन करने का थोड़ा सा तरीका था, ये मैंने आपको बताया था। अगली वीडियो, तीसरी वीडियो में हम क्या करेंगे जी, बाकायदा तौर पर कोडिंग को फर्स्ट पेज डायनामिक पेजेज होते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो तक इजाज़त कीजिए और हमारे चैनल के को सब्सक्राइब करना ना भूलें।